कोविड-19 महामारी के अंतर्गत राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले निजी चिकित्सालय श्री सिद्धि विनायक चिकित्सालय में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत। वैक्सीन डॉक्टर दुष्यंत शर्मा व डॉक्टर रेखा शर्मा एवं डॉक्टर कुलदीप नाथावत व डॉक्टर सुनील कुमार मित्तल के द्वारा पूजा अर्चना करके शुभारंभ किया। पहला दुष्यंत शर्मा को लगाकर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य प्रबंधक विशाल कुमार वैष्णव और ओम प्रकाश मीणा, सलमा बानो, सपना टेलर, सुनीता जिंगर व मीना मीणा उपस्थित थे एवं श्री सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के मैनेजर तुषार भटनागर की उपस्थिति में कार्यक्रम का संचालन किया गया। सभी स्टाफ के टीकाकरण करवाकर आम जनता को संदेश दिया गया कि पूर्ण रूप से सुरक्षित एवं सभी टीकाकरण करवाने में सहयोग करें। हैप्पी हैप्पी वैक्सीनेशन, हैप्पी हैप्पी वैक्सीनेशन, हैप्पी हैप्पी वैक्सीनेशन। डॉक्टर दुष्यंत वैक्सीनेटेड हुए, बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। आज सिद्धिविनायक में कोविड वैक्सीनेशन का सत्र था, उसमें मैंने अभी कोविशील्ड वैक्सीन लगाई और मेरा ये मानना है कि सभी व्यक्तियों को ये कोविशील्ड वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवानी चाहिए। इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है, लगाने के बाद हमें इससे सेफ्टी ही मिलती है। और मैं जो राज्य सरकार द्वारा ये जो अभियान चलाया जा रहा है सभी डॉक्टर्स के लिए, जो कोरोना वॉरियर्स के लिए जो वैक्सीन का जो अभियान चलाया जा रहा है, इसके लिए मैं जिला प्रशासन, मेडिकल प्रशासन एवं राज्य सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने जो ये हमारे वैक्सीनेशन चल रहा है उसके लिए जो व्यवस्थाएं की है, और हमारे जो तिलक नगर डिस्पेंसरी ने जो सारे जो कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर परियार साहब हैं, इनने जो व्यवस्थाएं की है वो तो बहुत ही माकूल है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कुलदीप नाथावत, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार, राज्य सरकार और समस्त प्रशासन को इस चीज़ के लिए बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने भारत के अंदर बहुत ही कम समय में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई और सभी चिकित्सकों को और चिकित्सा से संबंधित सभी कर्मचारियों को उसमें प्राथमिकता दी, जिन्होंने कि कोरोना के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी। कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन जो अपने भारत में लगभग आज 10-12 दिन से लगाई जा रही है, अब सबके सामने क्लियर हो चुका है कि इसके कोई दुष्परिणाम नहीं है। और बहुत माइल्ड सिम्टम्स अगर किसी को होते हैं तो वो एंटीबॉडीज जब डेवलप होती है तो होते ही हैं, इसलिए सभी लोग अब बढ़ चढ़ के आ गया हैं और जब जिसका नंबर आए उस समय आके वैक्सीनेशन कराएं। मेरा यही कहना है, वैक्सीनेशन को नकारें नहीं, इसको एक्सेप्ट करें ताकि आपके शरीर में एंटीबॉडीज बने और देश इससे लड़ सके और कोरोना देश से जा सके। धन्यवाद। मैं डॉक्टर हेमराज परिहार, अर्बन डिस्पेंसरी तिलक नगर। आज राज्य सरकार की तरफ से सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीनेशन का कैंप रखा है। यहाँ पे 231 को वैक्सीनेट किया जाएगा, जिसमें बालाजी नर्सिंग कॉलेज, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल का स्टाफ और नाथावत हॉस्पिटल का स्टाफ शामिल है। हमारी पूरी टीम बड़ी मुस्तैदी से सुबह से लगी हुई है। अभी तक करीब 40% हम टारगेट अचीव कर चुके हैं। सभी को फ़ोन से सूचित कर रहे हैं, सभी को मैसेज कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने आए हैं। वैक्सीन का हमने अभी देखा है, यहाँ ऑब्जर्वेशन रूम है, वेटिंग एरिया है और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं किसी भी एडवर्स रिएक्शन के लिए तैयार खड़े हैं। और जो यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर दुष्यंत हैं और इनकी टीम है, इनका पूरा सहयोग मिल रहा है और यहाँ के स्टाफ में बहुत उत्साह है कि हमने जब कोरोना में काम किया उसका परिणाम हमको मिल रहा है और हम वैक्सीनेट हो रहे हैं। वैक्सीनेशन 28 दिन बाद इनका फिर होना है, जो बूस्टर डोज होगा। वैक्सीनेशन आम भाषा में माने तो ये कोरोना से लड़ने के लिए एक अमृत बूंद का काम करेगा, कोरोना इससे भगेगा। और जो आम जनता में भ्रांतियाँ हैं वैक्सीन के लिए वो गलत हैं, कोई दुष्प्रभाव में नहीं आए। ये वैक्सीन
भारत सरकार द्वारा भारत में विकसित किया गया है कोविशील्ड वैक्सीन बहुत अच्छा है। अभी तक पूरे जिले में और जहाँ जहाँ हमने लगवाया है कहीं पे भी कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आया है। इवन हल्का फुल्का दर्द है जो आम इंजेक्शन से होता है वो सभी के होता है, बाकी वैक्सीनेशन का कोई बड़ा दुष्प्रभाव देखने में नहीं मिला है।